मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे। अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे, तो जैसे उनके लिए कोई पेय आया, पहले पानी आया तो उन्होंने उसमें दो ड्रॉप डाले। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए हैं? उन्होंने कहा हां, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हरेक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए, तुलसी का पूजन कौन भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण के यहां जाता तो वहां तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए, हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां थी। अलग विषय है कि वेदांती जी ना मानते हो। मैं गया था उनके यहां, उनके यहां तुलसी नहीं देखी मैंने। मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन अमेरिका भी तुलसी की ताकत को महसूस कर रहा है। और ऐसे ही मैंने कहा कि और क्या है? उसने कहा कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क में निकल रहा था, एक जगह लाइन लगी थी, तो मुझे कौतूहल हुआ कि क्यों लाइन लगी है, तो मैं रुका, तो कहा वहां पर हल्दी का पानी पीने के लिए लोग, यानी दो दो चम्मच पानी, हल्दी का पानी पीने के लिए वो लाइन लगी हुई थी। हल्दी के प्रति ये दुनिया के अंदर ये उत्सुकता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर का कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें हल्दी का उपयोग आप न करते हो? कौन सा है? आप कुछ भी बनाए, सब्जी बनाए, दाल बनाए, खिचड़ी बनाए, क्या बगैर हल्दी के होता है क्या? हर मसाले में आप हल्दी का उपयोग करते हैं।